जी अमरीक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं चलिए वहां खबर। जहां बढ़ते आगे, देश में कोरोना फैलाने का सबसे बड़ा आरोपी मौलाना साद अभी तक सामने नहीं आया है। ऐसे में क्राइम ब्रांच ने सख्त कदम उठाते हुए मौलाना साद के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। इसके अलावा वीजा नियमों का उल्लंघन करने वाले 1900 जमातियों को लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। दिल्ली पुलिस की ओर से मौलाना साद समेत 17 लोगों को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया गया है। हालांकि इससे 11 लोग खुद को क्वारंटीन बताकर पुलिस के सामने आने से बच रहे हैं। मौलाना साद भी खुद को क्वारंटीन में रखा हुआ है। माना जा रहा है कि उसका आइसोलेशन पीरियड खत्म हो गया है और पुलिस कभी भी उसे गिरफ्तार कर सकती है। दरअसल विदेश से आए जमाती वीजा नियमों का उल्लंघन कर धार्मिक गतिविधियों में शामिल हुए हैं। उन्हें चिन्हित करने के बाद उनका वीजा रद्द किया जा रहा है। साथ ही दूसरे विदेशी जमातियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। क्राइम ब्रांच अब तक टीम मरकज में आए 1500 लोगों को पकड़ चुकी है। इनमें से 400 से ज्यादा विदेशी नागरिक हैं। और अब बड़ा सवाल यह है कि कहां छिपा है साद शुभ्रा। बिल्कुल, मरकज का मौलाना साद फिलहाल गायब है। उसकी तलाश में पुलिस ने उत्तर प्रदेश के शामली में उसके पैतृक गाँव कांधला से लेकर सहारनपुर में उसकी ससुराल तक में दबिश दी, लेकिन वो नहीं मिला। दिल्ली में निजामुद्दीन और जाकिर नगर के उनके जो घर है वहां पर भी पुलिस पहुंची, वहां भी मौलाना नहीं हाथ आया। लेकिन अब मौलाना साद ज्यादा दिन तक छिपा नहीं रह सकता। बिल्कुल, और बड़ा सवाल यही है इस वक्त देश के सामने कि आखिरकार कहां छिपा है मौलाना साद, कहां है हत्या का गैर इरादतन हत्या का आरोपी है मौलाना साद। दिल्ली में 1561 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें से 1080 लोग मरकज से संबंध रखते हैं, जो कि कुल मरीजों का 71% है। इसके अलावा विदेश से आए लोग या उनके संपर्क में आने से पॉजिटिव हुए मरीज 377 हैं, जो कि कुल मरीजों का 25% है। आप समझिए इस आंकड़े को, देखिए कुल मामले 1561 मामले कुल दिल्ली में है जो सामने आए हैं, और उनमें से 1561 में से आप देख सकते हैं कि 1080 मामले यानी 71% ही बनता है, ये सिर्फ जमाती है। और अगर विदेशी यात्रियों की बात करें, जो विदेशों से लोग आए, वो 377 मामले हैं, और जो दूसरे मामले जांच में वो सिर्फ 62 मामले हैं। तो कुल मिलाकर ये स्थिति है, ये हकीकत है राजधानी दिल्ली की जो हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, एक और आंकड़ा चलिए आपको दिखाते हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के इन आंकड़ों को देखकर आप अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं कि मरकज के लोगों ने किस तरीके से दिल्ली को खतरे में धकेल दिया। यूपी में जमातियों के कहर को भी हम आपको समझाते हैं। लखनऊ के KGMU हॉस्पिटल में 727 कोरोना मरीज के सैंपल आए थे। ग्राफिक्स के जरिए आपको आंकड़े जो है वो दिखा भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं। 575 उनमें से जो मरीज हैं वो तबलीगी और उनके कारण संक्रमित हुए लोग हैं। ये उत्तर प्रदेश के कुल कोरोना संक्रमित लोगों का करीब 80% बैठता है। तो आप समझिए कि जो खतरा इतना बड़ा फैला, उसमें एक बड़ा हिस्सा, उसमें एक बड़ा योगदान जो रहा वो तबलीगी लोगों का रहा। जी हम आगे बढ़ते हैं और आपको एक और आंकड़ा दिखाते हैं कि किस तरह से जमातियों और मरकज की जो बात सामने आ रही है कि किस तरह की स्थिति वहां पर पैदा हुई है। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा हमने आपको दिखाया है, इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है कि किस तरह से वहां पर भी 80% मामले जमातियों के हैं। वहीं जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कुल मामले 282 मामले और 60 जमाती हैं। असम की बात करें 32 मामले, जिसमें से आप देखिए टेलीविजन स्क्रीन पर कि 31 जमाती हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें महाराष्ट्र की 2801 और उसमें से 50 मामले जमातियों के ही हैं। तो साफ जाहिर हो रही है यदि आंकड़े अपने आप में जो हकीकत है वो बयां कर रहे हैं। और भी स्टेट्स की बात हम कर रहे हैं रोहित, देखिए तमिलनाडु का भी आंकड़ा बता रहे हैं, दिल्ली का भी बताया। तमिलनाडु में 1173 मरीज हैं, जिसमें से मरकज के 1058 है। अभी अंतर आप देखिए कि कितनी बड़ी तादाद जो है मरकज के मरीजों की है। पंजाब में 189 मरीज हैं, जिसमें से मरकज से 28 मरीज ताल्लुक रखते हैं। हरियाणा की बात कर लीजिए, वहां पर 199 कुल मरीजों की संख्या है, 111 से ऊपर 111 मरकज से ताल्लुक रखते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात आप समझिए, वहां पर भी 34 मरीजों में 23 मरकज के हैं। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं इन आंकड़ों के जरिए कि मरकज के जो लोग निकले निजामुद्दीन के पास, जो जलसा हुआ उसके बाद देश के अलग अलग इलाकों में गए, उन्होंने कितना खतरा बढ़ा दिया। बिल्कुल, ये आंकड़ा आपने देखा। वहीं अगर बात करें जनवरी में चीन से फैला कोरोना वायरस आज दुनिया भर के लिए बड़ा खतरा बन चुका है, और बिल्कुल इस खतरे से पार पाने के लिए पूरी दुनिया जी जान से जुटी है। और लेकिन आज दुनिया भर में फैल चुका जो कोरोना, महज 3 अगर बात करें हम महीने में ही हर कोई कोरोना के नाम से वाकिफ हो गया है। अब तक
20 लाख से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर चुका कोरोना वायरस 1,26,000 से ज्यादा जान ले चुका है। बिल्कुल, कुछ आंकड़े और आपको दिखाते हैं। अभी भी दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जहां पर कोरोना वायरस अपने कदम नहीं रख पाया है। दुनिया के 7 महाद्वीपों में से कोरोना वायरस 6 महाद्वीपों तक पहुंच गया है। सिर्फ अंटार्कटिका ही ऐसा है, एकमात्र महाद्वीप है जहां पर कोरोना वायरस का एक भी मामला सामने नहीं आया है। ये हम आपको ग्राफिक्स में आपको दिखा रहे हैं। 210 देशों तक पहुंच चुका है ये महामारी का रूप लेकर के। 15 देश अभी भी ऐसे हैं जो इसकी गिरफ्त में नहीं आए हैं। नॉर्थ कोरिया है, कोमोरोस, किरिबाती, लेसोथो, मार्शल आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया, नॉरू, फ्लाऊ, समोआ, सोलोमन आइलैंड्स, तजाकिस्तान, टोंगा, तुर्कमेनिस्तान, ट्वाल और वानुअट भी इसमें शामिल हैं। ये वो देश हम आपको दिखा रहे हैं जो कोरोना की चपेट में अभी तक नहीं आ पाए हैं। कोरोना का एक भी मामला अगर नहीं आया है तो समझिए कि ऐसे वक्त में जब 200 से ज्यादा देश कोरोना के सामने घुटने टेके हुए हैं, वैसे में ये देश 15 देश कोरोना से बचे हुए हैं। जी हाँ, तो कोरोना फ्री 15 देश हमने आपको दिखाया कि इन देशों में कोरोना वायरस के ना होने की बड़ी वजह है, वैसे कम आबादी है, ये सबसे बड़ी वजह है। इन 15 देशों में से ज्यादातर छोटे द्वीप समूह हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा आबादी नहीं है, छोटे द्वीप समूह है, मशहूर जगह नहीं होने से इन देशों में सैलानियों की आवाजाही ना के बराबर है। तो ये वो तमाम वजह है जो इन देशों में कोरोना नहीं पहुंचा। चीन की सीमा से लगे होने के बावजूद नॉर्थ कोरिया में कोरोना नहीं है। नॉर्थ कोरिया ने समय रहते सभी सड़क, समुद्र और हवाई रास्ते बंद कर दिए थे ताकि कोरोना की एंट्री ही ना हो सके। ये कह रही है नॉर्थ कोरिया की सरकार कि हमने इस तरह से काबू पाया इस वायरस पर। बिल्कुल, तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई 15 देशों में बात है तो वो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हमने आपको बताई। इन सभी देशों में सोशल डिस्टेंसिंग का शुरू से पालन किया गया और सबसे महत्वपूर्ण ये भी कि वहां से बाहर से जो सैलानी आते हैं उनकी संख्या नदारद थी और इसी वजह से कोरोना का संक्रमण नहीं पहुंचा। ये एक बड़ा फैक्टर, बिल्कुल। और कोरोना वायरस के चलते देश भर में लागू लॉकडाउन से पर्यावरण के साथ साथ नदियों का पानी भी स्वच्छ होने लगा है। इस दिनों गंगा नदी का पानी बिल्कुल साफ हो गया है। आमतौर पर गंगा नदी के पानी के नीचे की सतह देख पाना मुश्किल होता था, लेकिन लॉकडाउन के इंपैक्ट के चलते ये मुमकिन हुआ है। वो भी हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरह से गंगा का पानी निर्मल हो गया है। बिल्कुल, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कोशिशें तमाम की गई, गंगा नदी का पानी अब इतना साफ हो गया है कि नदी के नीचे जमीन की सतह भी नजर आने लगी है। सालों बाद प्रकृति का ऐसा रूप देखने को मिला है। बता दें आपको कि लॉकडाउन के कारण लोग घरों में बंद हैं, सड़कों पर वाहन, बाजार, बस, रेल, हवाई जहाज, सभी हवाई जहाज जाहिर है कि बंद हैं। व्यावसायिक और फैक्ट्रियों में काम बंद पड़ा हुआ है, जिसके चलते मानव प्रकृति अपनी मरम्मत करने में जुटी हुई है और ये तस्वीरें आपको उसका सबूत दे रही हैं। जी हाँ, बता दें कि गंगा नदी का पानी पहले से काफी सुधरा हुआ है। विशेषज्ञों के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान गंगा के पानी में 40-50% तक का सुधार हुआ है। आपको याद होगा कि गंगा नदी को स्वच्छ रखने के लिए सालों से कितनी योजनाएं चली आई, कितने करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके, लेकिन ऐसे नतीजे पहले कभी नहीं दिखे। ये तस्वीरें इस बात की बानगी हैं, लॉकडाउन के समय वाकई गंगा नदी में स्वच्छता पहले से ज्यादा आई है। हूँ गंगा और लखनदा में और ऋषिकेश में गंगा हूँ और हरिद्वार में भी, तो सारा कूड़ा कचरा अब गंगा में जाना लगभग इस समय 80-90% तक बंद हो गया। जब ये इस तरफ है, दूसरी तरफ लोग नहीं जा रहे हैं गंगा में स्नान करने के लिए, ना कपड़े धुल रहे हैं, ना जो आती जाती जो गाड़ियाँ थी, हजारों गाड़ियाँ यहाँ आती जाती थी, ट्रक थी, बसें थी, वो गंगा के किनारे खड़े होकर के लोग धोते थे, वो भी नहीं हो रहा है। तो निश्चय ही जो हम लोगों का ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि गंगा के पानी की शुद्धता बहुत ज़्यादा 50-60% तक सुधर चुकी है। जी हाँ, गंगा कितनी निर्मल और कितनी स्वच्छ हुई है ये तो उसके उद्गम स्थल के पास जाकर भी पता चलेगा। तो हिमालय से निकलकर हरिद्वार पहुंची गंगा का पानी कितना साफ हो गया है, बता रहे हमारे संवाददाता धर्मेंद्र चौधरी। इस समय हम हरिद्वार में मौजूद हैं और हरिद्वार में जो गंगा की स्थिति है वो पूरी तरह से साफ हो चुकी है। यहाँ पर गंगा, हम गंगा घाट पर मौजूद हैं, हम दिखा सकते हैं कि गंगा जो जल है इस समय पूरी तरह से निर्मल स्वच्छ हो चुका है। इसे आप, ये पीने लायक है, इसे आप आचमन भी कर सकते हैं और इसे आप पूरी तरह से आचमन के योग्य गंगा जल है। करोड़ों श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, उसकी वजह से भी यहां पर गंगा मैली होती है। धर्मेंद्र चौधरी, इंडिया न्यूज, हरिद्वार।
तो गंगा नदी आगे बढ़ती है और भी तमाम इलाकों में पहुंचती है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा का हाल आपको बताते हैं। यहां पर भी लॉकडाउन का असर हुआ है और इसकी वजह से यहां पर भी गंगा का पानी पहले से कई ज्यादा स्वच्छ और साफ हो गया है। जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संदीप तिवारी। जहां पर आस्था की बात होती है, जहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है, संगम किनारे गंगा यमुना और अदृश्य माँ सरस्वती के पावन संगम पर लगातार श्रद्धालु आते रहते थे। लेकिन अभी फिलहाल लॉकडाउन के दौरान यहाँ पर कोई श्रद्धालु नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं ये संगम किनारे का क्षेत्र है जहाँ पर जो घाटिए होते हैं, जो पंडे होते हैं, उनके तख्त लगे हुए हैं और वो पूरी तरीके से खाली हैं। और इक्के दुक्के जो यहाँ संगम किनारे बसते हैं वही लोग दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात इस लॉकडाउन में एक चीज जो देखने को मिल रही वो ये देखने की मिल रही कि गंगा का जल पूरी तरीके से स्वच्छ है। संदीप तिवारी, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। लॉकडाउन की वजह से ना लोग घर से निकल रहे हैं और ना ही फैक्ट्रियों का कचरा गंगा में बहाया जा रहा है, जिसका असर ये हुआ कि इंडस्ट्रियल शहर कानपुर में भी गंगा साफ नजर आई। ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता गौरव शर्मा। टेनियां थी वो बंद थी, उनका केमिकल का पानी और गंदा पानी गंगा में नहीं बहाया जा रहा। उन्नाव की जो टेनरी और फैक्ट्रीज हैं वो बंद चल रही हैं, उनका जो गंदा पानी और केमिकल युक्त पानी होता है वो गंगा में नहीं बह रहा, जिसके कारण ये जो गंगा है वो साफ देखने के लिए मिल रही है। साफ तौर पर एक बात साफ हो चुकी है कि गंगा कितनी साफ हो चुकी है। सरकार ने शायद जितना रुपया खर्च किया हो उससे भी ये गंगा साफ नहीं हुई थी, लेकिन ये जो लॉकडाउन का दूसरा चरण चल रहा है उसमें गंगा को साफ तौर पर पूरी तरीके से साफ देखा जा सकता है। उन्नाव से गौरव शर्मा, इंडिया न्यूज। जी, भारत में कोरोना का पहला मामला केरल में आने के बाद यहां पिछले कुछ दिनों में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या में काफी कमी आई है। यहां सिर्फ सिंगल डिजिट में ही कोरोना वायरस के मरीज मिल रहे हैं, जिनके टेस्ट भी किए जा रहे हैं उसमें भी ज्यादातर नेगेटिव ही आ रहे हैं। बिल्कुल, इस राज्य ने शुरुआती एहतियात, तुरंत जांच और कॉन्टैक्ट की ट्रेसिंग को सख्ती से फॉलो किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की गाइडलाइन के अनुसार क्वारंटाइन की अवधि दोगुनी करके 28 दिन कर दी। इसका नतीजा क्या हुआ, केरल कोरोना के मामलों को रोकने में सफल रहा और ये आंकड़े जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो इसकी तस्दीक। बिल्कुल, वही दूसरी ओर महाराष्ट्र में मामलों का तेजी से लगातार बढ़ना चिंता का विषय बना हुआ है। चलिए, दोनों राज्यों की कोरोना की जंग में क्या कैसे किया गया वो भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से महाराष्ट्र में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, लेकिन केरल में स्थिति कुछ आंकड़े आप देखिए दर्शकों के लिए। रोहित, बहुत जरूरी है ये समझना कि आखिर क्या फर्क है महाराष्ट्र और केरल में। देखिए, 26 अप्रैल को महाराष्ट्र में कोरोना के 122 केस थे, केरल में 120 केस थे। आप आंकड़ा देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। आज ये तस्वीर बदल चुकी है। आज महाराष्ट्र में कोरोना से 2,687 लोग संक्रमित हैं, तो वहीं केरल की बात करें तो वहां पर सही रणनीति के चलते आज सिर्फ 387 मामले ही सामने आए हैं। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर एक साथ दो ग्राफिक्स यहां पर हैं। एक तरफ हम 26 मार्च तक के केस दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ हम बता रहे हैं कि 15 अप्रैल तक के केस। देखिए, महाराष्ट्र में 26 मार्च तक 122 केस थे, केरल में 120, यानी लगभग रफ्तार बराबर की थी। 122 महाराष्ट्र में, 120 केरल में। लेकिन 15 अप्रैल यानी आज जहां हम खड़े हैं वहां पर स्थिति एकदम बदलती हुई दिख रही है। आप महाराष्ट्र की बात करें 15 अप्रैल को तो 2,687 केस, जबकि केरल में 387, यानी एक तरफ चार अंकों में आंकड़ा है और एक तरफ तीन अंकों में आंकड़ा है, तो ये अंतर है। और आइए अब आपको ये भी हम जान लेते हैं कि महाराष्ट्र की जो हम बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र और केरल में अभी तक कोरोना के कितने लोगों की मौत हुई और कितने मरीज ठीक हुए, ये भी जानना बेहद जरूरी है। तो देखिए, हम आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र और केरल की तुलना करें, 259 अभी ठीक हुए हैं और केरल की बात करें वहां पर 387 मौतें कितनी हुई है, 178 और 3, ये फासला है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि केरल ने जो एहतियात बरते, जो कदम उठाए, उसका फायदा केरल को मिला है। जी हाँ, बिल्कुल, आप देख सकते हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फिर एक साथ दो ग्राफिक्स हैं। एक तरफ ठीक हुए जो लोग हैं, मरीज हैं, उनकी तादाद हम दिखा रहे हैं कि महाराष्ट्र में अब तक 259 लोग ठीक हुए हैं, केरल में 387, यानी
ये आंकड़ा भी काफी बिल्कुल मौतों का जो आंकड़ा है रोहित वो इस तरफ इशारा करता है कि केरल ने जो एहतियाती कदम उठाए उसका कितना बड़ा फायदा केरल को हुआ और इससे दूसरे राज्यों को सीखना चाहिए क्योंकि महाराष्ट्र में जहां मौतों का आंकड़ा 100 से ऊपर 150 के ऊपर 178 है वहीं केरल में सिर्फ 3 मौतें तो इससे दूसरे राज्यों को भी सीख लेकर आगे जरूर बढ़ना चाहिए। लॉकडाउन की तमाम परेशानियों के बीच कम से कम एक अच्छी चीज तो जरूर हुई है जो हम सबकी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। देश के बाकी शहरों की तरह राजधानी दिल्ली पूरे साल जिस जहरीली हवा से जूझती रहती है वो इस वक्त इतनी साफ है जितना पहले कभी नहीं रही। बिल्कुल कोरोना के कहर में एक छिपा हुआ वरदान भी कुदरत का तोहफा बनकर सामने आया है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो PM10 की मात्रा होती है PM2.5 तक के आंकड़े फिलहाल इतने बढ़िया हैं जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अक्सर यूरोपीय देशों में ऐसे हालात होते हैं, अमेरिका में इस तरह के आंकड़े देखने को मिलते हैं तो ये रोहित बताएंगे आपको कि कैसे तब्दील हुई है पहले से एयर क्वालिटी। बिल्कुल देखिए जब से लॉकडाउन हुआ है जाहिर सी बात है सड़कों में जो गाड़ी है उनकी आवाजाही भी कम हुई है। वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो जहांगीरपुरी इलाका जहां पर संतोषजनक स्थिति है, जहांगीरपुरी इलाके की अगर बात करें, कोलकाता की अगर बात करें तो यहां पर भी स्थिति संतोषजनक बनी हुई है। लेकिन अगर हम लॉकडाउन से पहले की स्थिति देखें तो हालत बहुत खराब थी। मुंबई 93 है पीएम की हम बात करें तो यहां भी स्थिति बेहद अच्छी नजर आ रही है। चेन्नई में 59 यहां भी संतोषजनक स्थिति है। अहमदाबाद में भी संतोषजनक स्थिति है और इसके अलावा अगर हम बात करें पुणे की बात करें तो यहां भी स्थिति ठीक नजर आ रही है। बेंगलुरु में भी स्थिति ठीक नजर आ रही है। वो तमाम शहर हैं जहां पर बहुत ज्यादा पोल्यूशन देखने को मिलता था। नोएडा में आप देखिए होता है वैसे अगर आम दिनों में आप देखें तो नोएडा में पोल्यूशन बहुत होता है लेकिन अभी संतोषजनक स्थिति अगर है तो इसकी वजह यही है कि लोग घरों के अंदर है, पोल्यूशन नहीं फैल रहा है। वाराणसी में हल्का प्रदूषण है, 151 यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स यह आंकड़ा बता रहा है, इसलिए वाराणसी की स्थिति उतनी बेहतर नहीं कही जा सकती लेकिन पहले के कंपैरिजन में, पहले की तुलना में यह स्थिति काफी बेहतर है। और अब बात कोरोना से फाइट के इसराइल मॉडल की। एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया कोरोना के आगे घुटने टेकती हुई दिखाई पड़ रही है, इसराइल ने अपने नागरिकों को कोरोना जैसी महामारी से सुरक्षित रखने में बड़े बड़े शक्तिशाली देशों को पीछे छोड़ दिया है। बिल्कुल एक हालिया रिसर्च में इसराइल को कोरोना से सबसे सुरक्षित देश माना गया है। ये रिसर्च डीप नॉलेज नाम की एक नॉन प्रॉफिटेबल संस्था की ओर से की गई है। ये संस्था दुनिया भर में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर साइंटिफिक रिसर्च का काम करती है। रिसर्च के मुताबिक कोरोना वायरस में से सुरक्षा के मामले में इसराइल 619 अंकों के साथ पहले नंबर पर है। टॉप 10 में कौन कौन से देश आते हैं ये भी देख लीजिए, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, हांगकांग, ताइवान, हंगरी, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ग्रीनलैंड जैसे देश आते हैं जो टॉप 10 में है। लेकिन सबसे ऊपर कौन है, इसराइल है। अमेरिका 140 पॉइंट्स के साथ इस लिस्ट में 27वें नंबर पर है। इस तरह आप तुलना कर सकते हैं इन देशों में। और अब आपको समझाते हैं कि इसराइल ने आखिर कोरोना को कैसे मात दी, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसराइली लैब में हर रोज 10,000 टेस्टिंग होती है। यानी इसराइल ने टेस्टिंग पर खासा जोर रखा, कोरोना की जांच में इसराइल सबसे आगे है। यानी इसराइल वो देश है जो सबसे ज्यादा अपने नागरिकों की जांच करवा रहा है। हल्की खांसी बुखार का भी यहां पर टेस्ट होता है इसराइल में। आप देखिए किस तरह से जिसे कहा जाए फुल प्रूफ सिस्टम इसराइल है। ऑनलाइन ऐप के जरिए भी संदिग्धों की पहचान की जाती है, ऐप के जरिए ट्रेवल हिस्ट्री की पड़ताल की जाती है। यानी एक एक नागरिक को जिसे कहा जाए कि देखा जाता है कि किस तरह की उनकी स्थिति है, किस तरह की उनकी ट्रेवल हिस्ट्री है और क्वारंटीन का उल्लंघन करने वालों की ट्रेसिंग होती है। यानी यहां पर मैन टू मैन मार्किंग जिसे कहा जाए, इसराइल का जो मॉडल है कोरोना की ट्रेसिंग का वो है मैन टू मैन मार्किंग जो इसराइल में हो रही है। ये हमने आपको बताया कि क्यों आखिर इसराइल मॉडल की चर्चा जो है दुनिया भर में हो रही है। कोरोना का पुख्ता इलाज ढूंढने के लिए दुनिया भर में रिसर्च हो रही है। इस बीच भारत के लिए प्लाज्मा थेरेपी की तकनीक एक नई उम्मीद की तरह है। ICMR ने कोरोना के इलाज के लिए इस तकनीक को कुछ हद तक कारगर पाया और इसे मंजूरी भी दी। अब देश के राज्य एक एक करके इस तकनीक को अपना रहे हैं। जी हाँ, केरल के बाद अब महाराष्ट्र में भी प्लाज्मा थेरेपी के जरिए कोरोना मरीजों का इलाज किया जाएगा। मुंबई में प्लाज्मा थेरेपी के लिए एक डोनर को भी मंजूरी मिल गई है। इसके बाद डोनर का ब्लड लिया गया और BMC ने मुताबिक मुंबई में पहला प्लाज्मा डोनेशन नायर हॉस्पिटल में किया गया। अब आपको बताते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी आखिर है क्या, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक हो चुका जो मरीज है वो डोनर के तौर पर काम करता है, पहली बात। डोनर के
ब्लड से एंटीबॉडीज तैयार की जाती है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी वायरस के खात्मे के लिए। एंटीबॉडी के जरिए शरीर में वायरस की पहचान होती है और उसके बाद जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं वायरस को वो खत्म कर देती हैं, मार देती हैं और इस तरह से शरीर को संक्रमण से छुटकारा मिल जाता है। तो ये प्लाज्मा थेरेपी का पूरा प्रोसेस है। लेकिन प्लाज्मा थेरेपी के लिए डोनर चुनते वक्त किन बातों का ख्याल रखा जाना जरूरी है ये भी समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार कौन कौन सी वो बातें हैं जिसका ख्याल रखना चाहिए कि किस तरह से ताकि मरीज भी ठीक हो सके। तो ये हम आपको एक बार फिर से ग्राफिक के जरिए बता रहे हैं कि कौन होगा डोनर। कोरोना से पूरी तरह ठीक जो मरीज हो चुका हो वही डोनर हो सकता है। 4 दिनों तक कोरोना के लक्षण जिसमें ना हो वो व्यक्ति डोनर हो सकता है। इसके अलावा कोरोना रिपोर्ट पूरी तरह जिसकी नेगेटिव हो वही व्यक्ति डोनर हो सकता है। इसके अलावा भी हम आपको बता दें कि एंटीबॉडीज का अच्छा लेवल हो, कई मरीजों को जो प्लाज्मा ट्रांसफर है वो कई मरीजों को किया जा सकता है और डोनर को कोई नुकसान नहीं है, ये इसके फायदे भी हम दिखा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कौन होगा प्लाज्मा डोनर, वो हमने आपको ग्राफिक के जरिए समझाया। जी बिल्कुल। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने भी कहा है कि क्रिटिकल कोरोना पेशेंट्स पर प्लाज्मा तकनीक को इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा। जी हाँ, तो बहरहाल आज हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन हम आखिर में फिर से यही कहेंगे कि घर पे रहें, स्वस्थ रहें और कल दोबारा इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, नमस्कार।